नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में जब राहुल गांधी को लेकर विशेष टिप्पणियां की, उन्हें नर्वस नेता बताया। राहुल गांधी को ऐसा छात्र बताया जिसने कोर्स पूरा कर लिया लेकिन योग्यता और जुनून की कमी है। तो अब ओबामा की ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई, जिसके बाद से ट्विटर पर ओबामा और राहुल ट्रेंड करने लगा है। राहुल से नाराज रहने वाले लोग इस बात से सहमत भी हैं, वहीं राहुल गांधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले और फिर उन्हें भारतीय मानने वाले लोग सीधे तौर पर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग माफी मांग ओबामा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग इससे जुड़े मीम्स को भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस को ही समर्थन देने वाले एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, महाभारत में पासे पर शकुनि का नियंत्रण था और उसने छल से चौपट जीती, लेकिन कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडव जीते। सच्चाई वक्त लेती है मगर जीत हमेशा उसी की होती है। राहुल गांधी विजेता साबित होंगे। वहीं सुनील कपूर नाम के यूजर ने लिखा, एक व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी और बाकी सभी राजनीतिज्ञों के बीच में कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो विनम्र, जमीन से जुड़े रहने वाले, सम्मान देने वाले, लोगों को सर कहकर संबोधित करने वाले व्यक्ति हैं। बस इतना है कि वो राजनीति में मिसफिट हो गए हैं। वो कुछ राजनेताओं की तरह चतुर और निर्दयी नहीं है। बी द चेंज नाम के यूजर ने लिखा, प्रिय बराक ओबामा, आपकी नई किताब में राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को राहुल गांधी की छवि को और धूमिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रहास ने लिखा है कि कैसे मुद्दा बन सकता है कि ओबामा ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। सेव हिंदूस नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, ओबामा को राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी से भी माफी मांगी जानी चाहिए। हम अपनी दूसरी विपक्षी पार्टी के बारे में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े और अच्छे नेता है जो की गांधी परिवार से आते हैं। सनैवम जैन ने लिखा, हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस देश के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर का कैसे अपमान कर सकते हैं? राहुल गांधी, हम आपके साथ हैं। वही विवेक नाम के यूजर ने ओबामा की किताब में राहुल के लिए की गई टिप्पणी पर अमित शाह की एक तस्वीर साझा की है, जिस पर लिखा है, हम जान दे देंगे इसके लिए, आप क्या बात कर रहे हो। विश्वगुरु भारत ने राहुल गांधी का रिएक्शन दिखाने की कोशिश की है, लिखा है, साला जलता है मुझसे। आपको बता दें, ओबामा की किताब पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित समीक्षा के मुताबिक ओबामा ने राहुल की मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी जिक्र किया है। कहा है, हमें चार्ली क्रिस्ट और रहम इमानुएल जैसे पुरुषों के हैंडसम होने के बारे में बताया जाता है, लेकिन महिलाओं के सौंदर्य के बारे में नहीं। सिर्फ एक या दो उदाहरण ही अपवाद है, जैसे सोनिया गांधी। आगे, अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री बॉब गेट्स और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दोनों में बिल्कुल भावशून्य सच्चाई और ईमानदारी है। ओबामा का यह संस्मरण 17 नवंबर को बाजार में आएगा और उससे पहले इसको लेकर जैसी हलचल है, उससे तो लग रहा है मानो बराक ओबामा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि राहुल गांधी को लेकर अपने ही देश में लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं, वो तो आप हम सभी काफी अच्छे से जानते ही हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये जो ट्विटर पर माफी मांग ओबामा ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे आपको कांग्रेस की साजिश तो नहीं लग रही? कहीं कांग्रेस के लोगों ने तो माफी मांग ओबामा ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करा दिया? वीडियो देखने के बाद अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।